बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत कोयटा की मसरूफ शहरी ज़िंदगी और भाग दौड़ से निकल कर बोलान की वादी के रास्ते जुनूब मशरक की तरफ सफ़र करें तो 250 किलोमीटर आगे कच्ची प्लेन के वसी वरीज मैदान आ जाते हैं। सूबे के आबपाशी निज़ाम और पहाड़ी नदी नालों के दरमियान वाक़ ये मैदानी इलाका एक अलग सी दुनिया है। यहाँ ज़मीन के रंग जुदा हैं, इसलिए सुबह शाम के नज़ारे और रक्स भी निराले हैं। इन मैदानों में ज़िंदगी बारिश से जुड़ी रहती है, इसलिए तमाम बासियों और हर किस्म की जीवत को बारिश का शिद्दत से इंतजार रहता है। बारिश हो तो लोग माल मवेशी और खेत चहक उठते हैं। बारिश ना हो तो यहाँ खुश्क साली का तवील राज रहता है। लोगों की नकल मकानी खाली गांव और वसी बंजर मैदान वीरानी को और बढ़ा देते हैं। लेकिन इन वीरानों में कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो कि दुनिया की नजरों से ओझल अपनी मट्टी और जमीन से चिमटे रहते हैं। इन गुमनाम सादा और आम किरदारों की उम्मीद और अपनी धरती पर ईमान पुख्ता और गैर मुतजलजल है। मौला बख्श और उसके चंद साथियों पर मुश्तमिल नौजवान किसानों की टोली अच्छे मौसमों का इंतजार नहीं करती। जब बरसों तक बारिश न हो और हर तरफ वीरानी दिखाई दे रही हो तो धरती से जुड़े ये नौजवान अपनी जमीनों पर उगने वाली जड़ी बूटियों और झाड़ियों में अपना रोजगार तलाश करते हैं। कच्छी के इन मैदानों में हजारा बरस से खुदरू तौर पर उगने वाली झाड़ी नुमा पौधा जिसे अंग्रेजी में सालसोला काली और उर्दू में जिनसे खुरफा और मकामी जबान में खार कहते हैं, इन मेहनत कशों के रोजगार का वसीला बनता है। साल्ट बर्ड फैमिली का ये सख्त जान पौधा इन मैदानों में बगैर पानी के कई बरसों तक उगता और बढ़ता रहता है। मौला बख्श और उनके साथी इस पौधे को मैदानों से काट कर एक जगह लाते हैं जहां इन झाड़ियों को हफ्ता भर सूखने के लिए रखा जाता है। सूखने के बाद इन झाड़ियों से खार या सोडा माइल डिटर्जेंट केमिकल बनाने का अमल शुरू किया जाता है। इस मकसद के लिए सबसे पहले 2 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा गड़ा खोदा जाता है। टीम में शामिल लोग सूखी झाड़ियों को गड़े के करीब लाकर जमा करते हैं जहां आहिस्ता आहिस्ता तमाम झाड़ियों को गड़े के मरकज में लाकर जलने के लिए धकेला जाता है। झाड़ियों को उस वक्त तक गड़े में डाला और जलाया जाता है जब तक गड़ा आखिरी दहाने तक उबलते हुए महलूल से भर नहीं जाता। ये बूटियाँ हैं, हम पहले इसको काटते हैं फिर इसको खुश करते हैं, फिर उसके बाद हम खड्डा लगाते हैं ज़मीन में, फिर खड्डे के बाद जो है ना इसको जलाते हैं फिर इसको ये पानी होता है उसको गूचे बूचे लगाते हैं, लकड़ियाँ लगाते हैं, फिर वो जो होता है ना खाल बनता है। तकरीबन ये काट के इसके पहले जो साथ में करते हैं तो तकरीबन इसको 2 हफ्ते 1.5 हफ्ता लग जाता है,
फिर उसके बाद ये जलाते हैं हम। एक दिन लगता है, दो दिन में बस निकालते हैं इसको। मिलता है मन का 1200-1300 इतना मिलता है हमारे को। बहुत बहुत तकलीफ बहुत होती है। ये जलाते हैं हम, टेढ़े उठते हैं, ये लगते हैं, ये यहाँ पर कपड़े हैं सब जले हुए हैं, देखो ना, ये सब कुछ हमारे जले हुए हैं, कपड़े जलते हैं इसमें। बहुत मेहनत करना पड़ता है हमारे। हमारा ये रोज़ी का काम है, रोटी रोज़ी हमारी, ये काम करते हैं, फिर रुक बनता है, पैसे मिलते हैं, सुखे रहते हैं। फिर आखिरी मरहले में सारे टीम मेंबर बड़ी मुस्तैदी से लोहे के पाइप से जुड़े हुए डंडों की मदद से पिघले हुए मवाद को मुसलसल हिलाकर गाढ़ा बनाते हैं। तैयार शुदा मवाद को सूखी मिट्टी से ढांप कर दो दिन तक खुश्क और ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। खार तैयार होने के बाद ये नौजवान अपनी पत्थर जैसी दिखाई देने वाली पैदावार को कच्ची के मुख्तलिफ शहरों बख्तियाराबाद और डेरा मुराद जमाली ले आते हैं, जहां से व्यापारी खार को पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ सनती इलाकों में ले जाते हैं। इन किसानों का कहना है कि हासिल शुदा खार को मुल्क के मुख्तलिफ सनती इलाकों में सफाई समेत दीगर कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भोला बर्ग और उनके साथी कच्ची के सख्त मौसमी हालात और खुश साली से पैदा शुदा सूरत हाल से घबराते नहीं, बल्कि ये इस वतन के ऐसे सादा और आम चेहरों वाले हीरोज हैं जो कि धूप, आग और भूख से लड़कर अपने और अपने प्यारों के लिए वीरानों से उम्मीद पैदा करके लाते हैं। बिलाशुबा ये लोग अपने वतन का खूबसूरत चेहरा हैं जो मायूसी और वीरानों में भी जीने की उम्मीद पैदा करके लाते हैं।